नमस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं छोटी बूटी का स्वेटर डिजाइन लाई हूँ, जिसे आप बॉयज स्वेटर में, गर्ल्स में, बेबी स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में या फिर लेडीज कार्डिगन और जैकेट में बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बिगनर्स भी, जिन्हें सिर्फ सीधा उल्टा बुनने आता है, वो भी इस डिजाइन को आसानी से बना सकता है। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिजाइन अच्छे लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए, तो मैंने 16 फंदे डाल दिए हैं। देखिए, 4, 4, 4 और 4, 16 फंदे डाल दिए हैं और थोड़ा सा बॉर्डर बना लिया है। अब ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से। यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा, ये डिजाइन सामने की तरफ से डलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। ये डिजाइन का पहला लाइन और सामने से। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1, 2। ऊन दूसरी ओर करेंगे, 2 फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 4 फंदों को हमें दोहराना है। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। तो हम ऊन को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2। ऊन को दूसरी ओर करेंगे और 2 फंदा स्लिप कर लेंगे। स्लिप करने के लिए हम ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे और इसे स्लिप कर लेंगे। अब फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा हमें उल्टा बुनना है, 1 और 2। ऊन को दूसरी ओर करेंगे, 2 फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, 3 फंदे बचे हैं, तो 2 फंदा उल्टा बुन लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, बुने हुए फंदों को भी और स्लिप किए हुए फंदों को भी, सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। डिजाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत। तो हमने दूसरी लाइन में सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिजाइन का तीसरा लाइन है। तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, इन 2 फंदों को हमने पहली लाइन में उल्टा बुना था, तो तीसरी लाइन में हम इन दोनों को स्लिप कर लेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और इन 2 फंदों को हमने स्लिप किया था तो अब की इन्हें हम उल्टा बुनेंगे, ऊन दूसरी ओर, 2 फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए, 3 फंदा हम छोड़ देंगे और यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। 3 फंदा हमने छोड़ दिया। अब देखिए, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा, यानी अब हमें उन अपनी ओर करना है, 2 फंदा उल्टा बुनना है। अब देखिए, ये 2 फंदा जिसे हमने स्लिप किया था पहली लाइन में, इसे हम उल्टा बुनेंगे, 1, 2। उन दूसरी ओर, और देखिए, 2 फंदे जिसे उल्टा बुने थे उन्हें हमें स्लिप करना है, 1, 2। तो इन्हीं 4 फंदों को हमें दोहराना है, 2 फंदा उल्टा और 2 फंदा स्लिप करना है। अब लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। हर रॉन्ग साइड में हमें सभी फंदों को उल्टा ही बुनना है। तो डिजाइन सिर्फ सामने की तरफ से डलता है, रॉन्ग साइड में सभी फंदे उल्टा बुन लिए जाएंगे। डिजाइन बेहद आसान और बहुत ही खूबसूरत है।
इन्हीं चार लाइनों को हमें दोहराना है। देखिए, अब फिर हमारा पहला लाइन शुरू हो जाएगा, यानी पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर दो फंदा स्लिप करना है। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं चार फंदों को हमें दोहराना है, उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर दो फंदा स्लिप करना है, उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर दो फंदा स्लिप करना है, उन अपनी ओर। अब देखिए तीन फंदा बचा है, तो दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो ऐसा छोटा छोटा बूटी बनके तैयार हो जाएगा, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर। तो सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है। यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।